तसंच पेले फॉर्मर खेळाडू देखील आहेत फुटबॉलचे, त्यांचं देखील निधन झालंय. खऱ्या अर्थानं भरपूर काही या दुःखद घटना आणि भारताचे पंतप्रधान अर्थातच नरेंद्र मोदी यांच्या देखील मातोश्रींचं निधन झालं. तर चला मॅच मात्र स्टार्ट करा, जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जातील अमित मात्रे गिली गिली चंपा. धन्यवाद प्रवीण जी गायकर, धन्यवाद भाया जी. तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करने जा रहे हम. घड़ी के अंदर 11:48 यानी कि 48 मिनट हो चुके और इस देरी के बाद इस मैदान के ऊपर भैरवनाथ ट्रॉफी के लिए ये फर्स्ट राउंड का दूसरा मुकाबला चल रहा है. तो मुकाबला है नीलेश 11 जावले बनाम देवांश 11 चिंचपड़ा के बीच. तो जावले टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए देवांश 11 चिंचपड़ा टीम को निमंत्रण दिया. दोनों सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले की इस बार देखा जाए तो यहाँ चिंचपड़ा के आरंभिक गेंदबाज बॉलिंग मार पर तैयार है और इसके लिए कप्तान ने जो फील्डिंग की व्यूहरचना की हुई है आप देख सकते हैं. दायात के बल्लेबाज के लिए एक यहाँ आप देख सकते हैं एक फाइव स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक शॉट कवर है. ऑन साइड कवर आप देख सकते हैं दायरे के अंदर एक लेग स्लिप और एक शॉर्ट स्क्वायर लेके और मिड ऑन है. दो खिलाड़ी बाउंड लाइन में तैनात कर दिया है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर. एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है ये फील्डिंग की व्यूहरचना. पहली गेंद फुल टॉस जरूर या डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट दूसरे तीसरे टप्पे के साथ बढ़िया फील्डिंग हुई है, मगर दो रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने. इस बार संदेश मात्रे जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, टीम का भी खाता ओपन किया स्कोर 2 के घर में और 2 रनों के साथ नीलेश 11 जावले टीम का भी खाता ओपन. दूसरी गेंद हरेश केनी और इस बार इनसाइड आउट और गेंद चली गई डीप पॉइंट मार्लन के बाहर. सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए कोहली सब्जी की इशारा आया, 4 रन दिए. ये की राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अभी तक किले ऐसे मजबूत है, कितने साल गुजर गए है, हिम्मत है महाराष्ट्र की और मेरे राजा की. आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रह गई और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं. अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है हरीश केनी की. इसी के साथ लगभग देखा जाए गेंद डॉट चली गई है. टीम का स्कोर सामने टीम का स्कोर 6 के घर में. दोनों टीम दिग्गज टीम है. दूसरी गेंद एक बार फिर से ड्राइव और स्क्वायर ड्राइव देखने को मिल चुका है. गेंद चली गई एक बार फिर से 4 रन के लिए ठोकम ठोक. चिंचपड़ा बोले तो हमारे एक बेहतरीन स्कोरर उमेश भोईर इनकी हमें याद आती है, उनके गांव की टीम. दर्शकों की तादाद देखिए टकटकी के साथ सभी दर्शक मौजूद है. इस बार 5वीं गेंद राइट हम ओर्ध विकेट और एक बार आउट साइड के ऊपर इस गेंद को पुल जरूर कर दिया है और इस बीच इस गेंद के ऊपर एक रन जरूर मिलेगा. इस गेंद को फील्ड किया मिड विकेट के ऊपर लेकिन वह खिलाड़ी तैनात है तो एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. स्कोर पहुंचा है जावले टीम का 11 के घर में. अंतिम बॉल शेष
तर याच दरम्यान सन्माननीय संजय जाधव साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. पिचुंबा क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक आणि वेळोवेळी संघाला देखील त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं गेलंय. तर संजय जाधव साहेब या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. स्वागत, वेलकम और आतिथ्य देव भव. यह भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है और मेहमान जो हमारे लिए होते हैं वो भगवान के समान होते. हरेश के नहीं, क्या आखिरी बॉल ये देखिए, पुल करने गए थे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं चुकी. अच्छी बॉल गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी, चकमा दिया इस बल्लेबाज को और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं नीलेश 11 जावले टीम का स्कोर पहुंच चुका है 11 के घर में बिना कोई विकेट नुकसान पे. इस बार संदेश मात्रे खेल रहे 11 पे. मनीष कड़ू का कोई खाता ओपन हो नहीं चुका है लेकिन दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे तब तक नितिन को हम मौका दे रहे खड़काओ कुछ. इलेवन स्कोर उस दिन आजीवली में कीर्तन था. इंदुरी महाराज जी ने ऐसा ही आवाज दिया. तो इस बार सेकंड बॉलर सतीश पाटी और इस बार या गेंद हवा में फील्डर मौजूद है. पकड़ लिया, शानदार कैच डीप मिड विकेट के ऊपर और छलता कर दिया बल्लेबाज को. बल्लेबाज वापस आ रहे हैं जिस बल्लेबाज का नाम है संदेश मात्र. एक बड़ी मछली जाल में फंस गई और ये देखिए जॉन्टी मंत्री इनका हक पर हो चुका है. हार्दिक हार्दिक स्वागत कमांड जी. जॉन्टी मात्र आलेत लेट खऱ्या अर्थानं झालेत सेट कारण कालची रात्र खऱ्या अर्थानं त्यांनी दमदार योगदान दिलं. महेंद्र बाबू कमटे साहेबांच्या सोबत त्यांनी खऱ्या अर्थानं महत्त्वाचं योगदान दिलं. त्याबद्दल जॉन्टी तुमचंही मनापासून स्वागत. स्क्रीनवरती देखील तुम्ही जॉन्टी यांना पाहताय. बिलकुल थोडेसे देरी से आ गए है, लेट के बाद सेट हुए है, नया नया है और चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं होगा. भाभी जी ने कह दिया होगा जाओ. 11 स्कोर, 11 पे स्कोर और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. मिस्टर प्रसाद गलत खूंखार बल्लेबाज का आगमन. 11:55 हो चुके हैं. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले गेंदबाज है सतीश पाटी और इस बार दिशा दी गेंद को बस ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है और सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ इस बल्लेबाज ने खुद का खाता ओपन किया. टीम का स्कोर 12 के घर में. सुनील जी तांडेल और हेमंत जी कोहली सर और हेमंत कोहली साहब के बारे में चंदू शेट्टी साहब जी ने कह दिया कि 6 गेंदों में 6 छक्के. ये कारनामा उन्होंने किया था ट्रॉम्बे में. डायरेक्ट अनाउंसमेंट और गई गेंद बाहर चली गई है. फिर टप्पा खुश हुई रंबा. देखो पहले लंबा छक्के मारा खंबा टॉप. के साथ स्कोर पहुंच जाए 18 के घर में. मनीष कड़ू ने इस बार देखा जाए बायहाथ के बल्लेबाज ने शानदार छक्का लगाया और एक बार फिर से हर दिन बॉल के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते. हर गेंद को आप पार नहीं कर सकते. कई गेंदें अच्छी हो जाती है और कई गेंदों को इस बार आपको सम्मान भी देना चाहिए. कई गेंदें आप इस बार हल्के हाथों से खेल भी सकते. हर गेंद के ऊपर आप प्रहार नहीं कर सकते. स्कोर 18 के घर में और एक बार जोरदार हिट जरूर कर दिया. गैप में गेंद चली गई है. खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं. इसी के साथ और खराब से इंटरेक्शन हुआ लेकिन इस बार देखा 2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ नीलेश 11 जावले टीम का स्कोर 20 के घर में. अभी नीलेश 11 जावले इनके माध्यम से जावले गांव में काफी जबरदस्त
टूर्नामेंट का आयोजन किया था हमारे प्रमोद भाई, इनके नेतृत्व में बहुत मजा आ गई। अभी नाइट का आयोजन भी करने जा रहे जबरदस्त, और इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे लेकिन गेंद चली गई बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, दो ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं नीलेश इलेवन जावले टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 20 पे स्कोर जा चुका है एक विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 11, इस ओवर में 9, 18 गेंदों का खेल शेष है। प्रसाद गलत खेल रहे 1 रन पे, मनीष कड़ू खेल रहे 8 रन पे और संदेश मात्रे 11 रन बना के वापस। तीसरे गेंदबाज कौन आएंगे तब तक के लिए सुन देख सुमधुर संगीत। धन्यवाद नितिन, या ठिकाणी अजय भोईराम चे वॉटर सप्लायर्स यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्याच्यानंतर मित्रांनो, जेव्हा कराडी समाजाच्या मॅचेस होत्या मागच्या काही वर्षापूर्वी चिंचपाड्याच्या मैदानावरती, एका चेंडू मध्ये 7 धावांची गरज असताना विचंबे संघाला विजय संपादन करून देणारा कपी ज्ञानेश्वर यांचं या ठिकाणी आगमन झालं। कपी यावं, आपलंही सहर्ष स्वागत। कब जाएंगे, कौन से बल्लेबाजी में धमाका दिखाएंगे, ये पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी देखिए प्रवीण गायकर जी के पास कितनी है, रहते हैं वाकरी में लेकिन ऐसा लग रहा है प्लॉट विसुंबे में। पूरा लेखा जो का परफेक्ट उनका कंप्यूटर, और वो होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी उनकी डिक्शनरी में सभी का नाम, सभी क्या क्या कर रहे हैं, सभी ने क्या क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। 20 पे स्कोर और हवा में लेकिन कैच की संभावना, बैक टू द बॉलर, फंस गई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस विकेट की जरूरत थी देवांश चिंचपाड़ा टीम को, वही विकेट प्रसाद गरज से काफी उम्मीद थी लेकिन एक रन बना के बैक टू डगआउट है। सुंदर सुमधुर यह संगीत, और अभी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रसाद गलत के छोटे भाई पंकज गरत, और बीच में राहुल, राहुल की तबीयत देखिए इन दोनों से काफी तगड़ी है। पंकज भाई का आगमन हो चुका, बहुत मजा किया उस दिन हमने, और क्या जावड़े में जाएंगे तो बहुत मजा आता है बहुत, और बहुत सभी खिलाड़ी और वो शानदार आयोजन, कुछ भी खाओ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सफलता इस बार हरीश केनी को, कोटे का दूसरा पारी का तीसरा, पंकज जी ने उड़ाया और कैच नहीं, ब्लैक स्क्रीन के सामने वो गिर गया है लेकिन चौवा। बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का उनका प्रयास था लेकिन हरीश केनी की ये उत्तम गेंद साबित हो चुकी है। 24 पे स्कोर रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे। नीलेश इलेवन जावले टीम और मुकाबला चल रहा है देवांश इलेवन चिंचपाड़ा के बीच। रेटा मोर द विकेट, इस बार ब्लॉक ऑन में डाली हुई गेंद थी लेकिन कवर के क्षेत्र में इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है। खिलाड़ी इस बार देखा जाए दायरे के अंदर था जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर 25 के घर में 25 जून 1932 को कर्नल सीके नायडू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला इंग्लैंड के खिलाफ। हम हारे होंगे उस मैच में लेकिन 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। अगर वो विश्व कप जीतते नहीं तो तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर कम होता। सल्यूट करते हम कपिल देव साहब को, सल्यूट करते उन सभी खिलाड़ियों को, करोड़ों लोगों की दुआ थी इसलिए वेस्ट इंडीज तीसरा वर्ल्ड कप लेने वाला था, उसे ब्रेक दिया और वो पहला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में लाया। हरीश केनी जिनकी 4 गेंदें खत्म हो गई है, 5 रन आए 4 गेंदों में, भाई हाथ के बल्लेबाज ट्राई के ऊपर है सलामी बल्लेबाज मनीष कड़ू, और ये गई, क्या पकड़ेंगे कैच, आओ गई ना, ऐसे छक्कों के जजमेंट मुझे बहुत है। 6 रन। बस दिल देने का कल दिल दो क्या राहुल,
कल 31 में बदल दो बस काम फिट हो जाएगा। कल की रात धूमधाम, 2022 को टाटा और 2023 का स्वागत। केवल वालों का क्या प्लान है, तो कल पता चलेगा। और इस बार हवा में लॉब किया है, क्या नहीं भैया गई ब्लैक स्क्रीन के सामने, तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद अंतरिक्ष, यस बैंक मैक्सिमम। तर पनवेल तालुका कुस्तीगीर संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक पाटील साहेब बोरले यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। चला याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, विनंती असेल भैरवनाथ नितीन स्मृती क्रिकेट संघ विचुंबे संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर व्होडाफोन वाल संघाचे कर्णधार यांना विनंती असेल की आपण लगेच यावं टॉस करण्यासाठी। 3 षटकं कम्प्लीट झालेत, याच्या अगोदर जावले क्रिकेट संघाला देखील पॅनल्टी लागली होती, कदाचित तुम्हाला ही पॅनल्टी ना लागू यासाठी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की आपण लगेच टॉस करण्यासाठी यावं। बिलकुल, सारसोले का मैदान, रामलीला मैदान के ऊपर दत्ता जो हमारे सर अंपायर है, उन्होंने देखा जाना कि रायगढ़ में भाई बहुत आया, और वो आते क्यों नहीं है, उनका अच्छा है कि नजदीकी सब कुछ टेंशन नहीं, अगर बीबी की याद आएगी तो तुरंत जाएंगे उसको अर्गन का कहेंगे थोड़ा रुकिए मैं आता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही है, लेकिन कहते ना कि दुर्वाली भी देखने के बाद मजा कुछ और होता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर, कल तो 30+ है और नीरज रानावत इनका ये पैनल, हमारे दत्तामेर साहब, नीरज रानावत साहब और हमारे एक जबरदस्त स्पिनर गेंदबाज और अच्छे खिलाड़ी उदय तांडेसन, इनकी तिकड़ी बहुत खतरनाक थी। अभी उदय सर नहीं आ रहे लेकिन उनकी याद हमें हमेशा आती है, एक सच्चे दिल के इंसान, उनका बेटा भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और दत्ता मेहर साहब जी ने भी 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मारे हुए हैं, तो कोहली साहब को लगेगा मैंने ही मारा है लेकिन कोहली साहब बहुत खुश थे ट्रॉम्बे में, जीजू आने के बाद ट्रॉम्बे वाले सभी बोल रहे थे, और वो बार का जब मार पाण्याची व्यवस्था करी अर्थाने देवराम गोवारी साहब, त्याच्यानंतर रामा गोवारी साहेब यांच्या वती राम वाघमारे यांच्या मध्यमधून खऱ्या अर्थानं देण्यात आलं, आणि आजच्या जेवणाची व्यवस्था खऱ्या अर्थानं क्रिकेटसाठी दमदार योगदान देणारे आमचे बंटी भुईर यांच्या वतीनं आज उत्तम जेवणाची व्यवस्था खऱ्या कमिटीसाठी देण्यात आलेली आहे, तर त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आपलं सहर्ष स्वागत। बिलकुल, तो 2 ओव्हर के समाप्ती के बाद निलेश इलेवन जावले टीम का स्कोर है 37-37, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथे गेंदबाज आए अक्षय केनी, स्ट्राइक के ऊपर पंकज घरत, स्पिनर है इस बार देखिए, लेकिन यहां समझ नहीं सके, गेंद बाहर चली गई, कट हो रही गेंद, और लेग कटर जब गेंदबाज होते हैं तो बैट्समैन खेलने गए थे जोर से, लेकिन संपर्क होने नहीं दिया क्योंकि गेंद ने काटा बदल दिया। दूसरी गेंद, छोटा रन अप है, और एक बार फिर से इस बार देखिए, दूसरे बार पंकज जी वाइड मांग रहे हैं अंपायर से, लेकिन सुनील तांडेल जी उन्हें बता रहे हैं कि बॉल पड़ने के बाद बाहर निकल रही है। 2 गेंदों के ऊपर चकमा दिया है, टर्न कर रहे गेंदे, यस कोहली साहब बता रहे हैं, और इस बार यहां बल्ले का किनारा जरूर लग चुका है, लेकिन जो फाइव स्लिप के इस बार गली के क्षेत्र में जो फील्डर मौजूद है उन्होंने गेंद को फील्ड किया, जब तक एक सिंगल मिलेगा पंकज जी को, और एक रन के साथ पंकज घरत पहुंचे 6 पे, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 6 रन पे खेल रहे, और टीम का स्कोर देखा जाए जावले टीम का 38, 2 विकेट के नुकसान पे। अक्षय केनी की 3 गेंदे खत्म हो गई, 3 गेंदे शेष है, इस ओवर की 3 आने वाली 6, टोटल 9 गेंदों का खेल अभी तक शेष है इस इनिंग का। अगली बॉल, और यह बिल्कुल यार क्या ठोका है यार, सचमुच देखा जाए गेंद चली गई हाईवे पे कहीं के लिए, कि ज्यादा गाड़ी मत दो, कल 30+ है।
लेकिन इस छे के साथ बेहतरीन शॉट खड़े खड़े इस गेम को उन्होंने मिडविकेट एरिया में भेज दिया छह रन के लिए, और छह के साथ देखा जाए तो यह नीलेश इलेवन जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 44 के घर में दो विकेट के नुकसान पे। सलामी बल्लेबाज आप देख सकते हैं यहाँ जो मनीष कड़ू की एक बेहतरीन इनिंग चल रही है अपनी टीम के लिए। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान भैरवनाथ विसुंबे का, और ये खूबसूरत भैरवनाथ ट्रॉफी का आयोजन नियोजन विसुंबे गांव में। दोपहर का सत्र अभी बनने जा रहा है और बन भी गया है, 12:07 हो चुके घड़ी के अंदर। अक्षय केने की ये पांचवी गेंद मनीष कड़ू के लिए, राइट हम राउंड विकेट शॉर्ट डिलीवरी लेकिन फंस गया है टाइमिंग बड़ी, और ये कैच ड्रॉप हुई दूसरे के लिए पलट गया और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते, ये बड़ी मछली जाल में फंसने वाली थी और मिस टाइमिंग शॉट भी उस बार हो चुका था, टाइमिंग हो चुका था, लेकिन इस बार कैच को कैरी नहीं कर सके विकेट कीपर, पकड़ लेते तो एक बढ़िया विकेट फंसने वाली थी, लेकिन जीवनदान मिला मनीष कड़ू को। दो के साथ आप देख सकते हैं मनीष कड़ू पहुंचे व्यक्तिगत मेरे हिसाब से यहाँ 28 पे, 4 छक्के 2 डबल के साथ 46 पे स्कोर जावले टीम का। अंतिम बॉल शेष है, इस बार टाइमिंग चूका है लेकिन खिलाड़ी गेंद के पीछे, इस बार भी कैच ड्रॉप, दो कैच ड्रॉप कर दिया, दो बार जीवन दान दिया, तीसरे के लिए पलट गए, रनआउट का मौका वो बन सकता है, और ये देखिए आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये छोटा भीम कभी आया बाओ, हाथ देखिए, हाथ ने हथौड़ा है। बीपीएल में बहुत मजा आता है उसकी, ऐसे एक एक नगीना चाहिए तब मजा आता है। हाँ बाओ, यस देखिए अभी वो चलता ही रहेगा, उसकी पगाड़ी पटरी के ऊपर रोकने वाली नहीं है। देखिए इस बार स्क्रीन के ऊपर बाओ, चलिए मैदान के अंदर .48 और .50 बनाने के लिए जावले टीम को चाहिए 2 रन, और इसी के साथ देखा जाए तो विकेट नंबर आप देख सकते मेरे हिसाब से तीसरा मैदान से वापस आ चुका है पंकज घरत, इस बार रनआउट के रूप में वापस अपने टीम के लिए उन्होंने मेरे हिसाब से यह 6 रनों का योगदान दिया, 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन नए बल्लेबाज उनके भाई मैदान के अंदर राहुल घरत। लेकिन आखिरी ओवर पारी का, इस ओवर में 11 रन आए, पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 9, तीसरे ओवर में 17, चौथे ओवर में 11, 3 विकेट बाहर चले गए हैं, लेकिन आखिरी ओवर फेंकने के लिए बॉलर आए हैं ओमकार के लिए। ओमकार की यह शॉर्ट डिलीवरी जरूर थी, लेकिन एक तो चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे, बल्ले के ऊपर रगाए गेंद मनीष भाई, उतना उपाय उपाय जो खिलाड़ी पीछे उसके पास कैसे जाएगी गेंद, होता है क्या, कोई टेंशन नहीं। 49 स्कोर, हवा भी बंद करता हो थोड़ी देर रुको, और 50 बनाने के लिए जावले टीम को 1 रन चाहिए, लेकिन राहुल घरत पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है, बाहर के खूंखार और विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन प्रसाद ने निराशा की सभी की। और इस बार यहां देखिए उन्होंने इस बार घुटने टेक कर इस शॉट को खेलने का प्रयास किया, और टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ी उछाल ली, राहुल इस गेंद को ना ज्यादा परख सके और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 49 स्कोर अभी तक का, 2-4 गेंदे शेष, और इस बार यहां इस बार देखा घूम के खेला इस शॉट को, जरूर एक सिंगल जरूर मिलेगा, और इसी के साथ नीलेश इलेवन जावले टीम के 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके, 50 4 विकेट 3 विकेट के नुकसान पे।
थोड़े से निराश है क्योंकि इस ओवर की तीन गेंदे शेष है, लेकिन मनीष कड़ू ने पारी को संभाला है। तारीफ करना पड़ेगी इस बल्लेबाज की, एक खूंखार और विस्फोटक पारी खेली अपनी टीम के लिए। राइट हम राउंड अगेन, और इस बार यह फायर स्लिप के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 51 के घर में। आखिरी दो गेंदे शेष, ओमकार केनी ने इस ओवर में प्रतिबंध लगाया है, पूर्ण विराम लगाया है क्योंकि रनों की संख्या बढ़ रही थी पिछले ओवर में, और इस ओवर में उन्होंने शानदार तरीके से गेंदे कट करके बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए अचंभित किया है। और ये देखिए राहुल गेंद को नहीं देख रहे, वो घुमाने जोरदार गए थे, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, अच्छी बॉल और अच्छी डिलीवरी साबित हो चुकी है। गए साल बहुत फॉर्म में थे राहुल, लेकिन इस साल थोड़ा फॉर्म पीछे गया उनका, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन इकट्ठा करेंगे इस इनिंग के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। और इस बार बिल्कुल उन्होंने शानदार तरीके से पुल जरूर कर दिया, एक रन चुराया, राहुल पलट गए रनर का मौका, और इस बार खराब थ्रो, दो रन इकट्ठा किया है, लेकिन तीसरे के लिए क्या यह रन आउट होंगे, और दो ही रन मिले और दो रनों के साथ नीलेश 11 जावले टीम का स्कोर पहुंच जाए 53 यानी कि 53 के घर में, और जीतने के लिए देवांश 11 चिंचपड़ा टीम को 5 ओवर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक रुकिए, यस तर कुस्तीगीर संघटनेचे पनवेल तालुका उपाध्यक्ष सन्माननीय अशोक पाटील साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल, त्यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी खऱ्या अर्थानं कालची रात्र बाबू कामटे समवेत यांच्या समवेत अतिशय जबरदस्त टाइम स्पेंड केला, आयुष्यातील खऱ्या अर्थानं जॉन्टी म्हात्रे यांच्या शुभास्ते आपण सन्मान करूया। आले लेट झाले सेट, कारण कधीही जॉन्टी एवढे लेट होत नसतात, परंतु आज जाता उशीर पाहिला तर तब्बल 11 ते 11:30-12 वाजता या ठिकाणी उपस्थित झालेत, आणि त्यांच्या शुभास्ते इथे अशोक पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान ज्यांच्या माध्यमातून आज खऱ्या अर्थानं जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे ते आताच आमचे बंटी भोईर यांच्या शुभास्ते आपण त्यांचा सन्मान देखील करूया। बंटी भोईर यांना विनंती असेल आपण यावं, आपला देखील इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। प्रत्येक खेळाडूसाठी षटकार चौकारांसाठी विकेट हॅट्रिकसाठी नेहमी पारितोषिक लाभत असतात। त्याच्यानंतर आमचे रोशन पाटील चिंचपाडा बाला खऱ्या अर्थानं सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाचे दमदार फलंदाज हे देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। तर इथे सन्मान बंटी भोईर यांचा, तर चला वोडाफोन माल संघाचा कर्णधार आपण यावं, त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। तर सन्माननीय संजय जाधव साहेबांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल, नेहमी संघासाठी देखील दमदार योगदान देणारे, तर संजय जाधव साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आमच्या अतिथी कक्षामध्ये, आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। जॉन्टी म्हात्रे नायक नाही विनायक हुमय नेहमी त्यांचा खऱ्या अर्थाने हे ब्रीदवाक्य राहिलंय, आणि त्यांच्या शुभास्ते खऱ्या अर्थाने हा सन्मान केला जाईल संजय जाधव साहेबांचा। तो टोटल रन बन चुके 53, दो रन यहाँ से हम माइनस करेंगे तो स्कोर होता है 51, और जीतने के लिए देवांश 11 चिंचपड़ा टीम को 30 गेंदों में 53 दोन धावांची आपल्याला अगोदर पेनल्टी दिलेली आहे, ती तर माइनस करतो म्हणजे धावसंख्या होते ती 51, आणि विजयासाठी देवांश 11 चिंचपड़ा टीम को 30 गेंदों में चाहिए 52 रन। लेकिन मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे पहले हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं दोपहर का सत्र है, लेकिन सुनिए प्रवीण जी गायकर इनकी जुबानी क्रिकेट की कहानी, शानदार भैरवनाथ मिथुनबे ट्रॉफी का जबरदस्त आयोजन। हेलो, तर या वडापण वाहन संघाचा कर्णधार आजच्या दिवसातील तिसरा सामना
नितिन स्मृति भरणात इरेवन विचुंबे विरुद्ध वोडाफोन वाहल धन्यवाद अमित मात्रे सर धन्यवाद या ठिकाणी कार्यार्थाने भाया भोईर चला वाल क्रिकेट संघ आपण या टॉस करण्यासाठी बघा आयुष्यामध्ये बीडी शेट कधी कधी एक शब्द तुमच्यासाठी असा उपयोगी ठरतो ना की तुम्ही आयुष्यामध्ये सर्व काही कमवू शकता उदाहरणार्थ तुमच्यासाठी देतो आम्ही की शहाजी बापू पाटील सांगोल्याचे आमदार कधी कोणाला आमदार होते हे माहीत पण नव्हतं परंतु एका रात्रीत गुवाहाटीला गेले आणि फोनवर फक्त बोलले काय झाडी काय डोंगर काय हॉटेल एकदम ओके आणि एका रातोरात शहाजी बापू सांगोल्याचे आमदार संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत झाले तर एक शब्द फक्त असतो आयुष्यामध्ये जसा वापरला ना की तुमच्या आयुष्याचं खऱ्या अर्थानं सोनं होऊन जातं तर बिलकुल चलते हैं मुकाबले की तरफ जीत केले लक्ष्य है टोटल 52 रनों का 2 रनों की पेनल्टी जहां पर मिली है निलेश कडू 11 जावले टीम के लिए कैसे हालातों में इस मुकाबले को जीतना चाहेगी जिस तरीके से आज प्रसाद गरत का बल्ला चला नहीं शून्य पर लौटे और मेरे ख्याल से लो स्कोर का मुकाबला बिल्कुल खेल रही है देखिए इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत उलझी हुई होती है दिल दिमाग तकदीर क्योंकि दिल कुछ चाहता है फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है और वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है तो 52 का लक्ष्य गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मनीष कड़ू गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और उनका सामना करेंगे अर्जुन परदेशी और ओमकार केनी खुद कप्तान राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद के साथ शुरुआत होगी इस लंबे कद के गेंदबाज की ओर से पहली गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया शॉर्ट कवर में फील्डर है अच्छी फील्डिंग एक रनों के साथ अर्जुन ने अपना खाता खोला और देवांश 11 चिंचपड़ा टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर एक रन पिछले मुकाबले में 41 रनों का टारगेट था कंचन गावदे भी उसर ली टीम के सामने हरीश मुंडे की वो टीम थी लेकिन अब देखेंगे इस टीम के खिलाफ 52 रनों का लक्ष्य है लो स्कोर के मुकाबले में भी आपको अच्छे मिलते हैं लेकिन देखेंगे गेंदबाजी किस तरीके की होगी गेंदबाज मनीष ओवर द विकेट से तैयार अच्छी गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास था सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश डायरेक्ट हिट करने का प्रयास यदि पहले जल्दी गेंद के ऊपर आते एक चांस भी लेना चाहिए कंचन डायरेक्ट हिट करने का क्योंकि लो स्कोर के मुकाबले में अक्सर कहती है कि विकेटें आपको लेना जरूरी है डॉट गेंदें निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है और यही करना होगा इस मुकाबले में गेंदबाजी करने वाली नीलेश कडू 11 जावली टीम को अभी अभी नीलेश 11 जावली टीम की टूर्नामेंट समाप्त हुई बामन डोंगरी चैंपियन बनी श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगाव रनर अप रही तीसरे नंबर पर और भैरवनाथ धुतुम टीम ऐसे बड़े बड़े मुकाबले वहां पर देखने को मिले और क्या कमाल की वो नीलेश ट्रॉफी जावले आपने देखी शॉट अच्छा है मिड ऑफ की तरफ खेला है फील्डर आते हुए प्रसाद डीप में उठाएंगे फेल करेंगे अमित मात्रे कभी कभी होता है ना कि आपके पास जब नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं और शुरुआती पावर पैक ओवर में आपको बड़े शॉट नहीं मिलते गैप ढूंढनी होती है जिसे आप मराठी में कहते हैं रिका में जागा भरा तो बिल्कुल ये पावर पैक ओवर में गैप ढूंढने आपके लिए जरूरी होंगे क्योंकि दिल साफ होगा तो हर गुना माफ होगा हिसाब तेरे कमाई का नहीं तेरे कर्मों का होगा तो अच्छा क्रिकेट खेलेगा तेरे को मिलेगी ताली खराब खेलेगा तो तेरे को मिलेगी गाली गेंदबाज तैयार मनीष इस बार मौका था लगा था शायद बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन विकेट कीपर कैच ड्रॉप करते हुए राहुल थे और वो कैच अगर लेते तो कप्तान ओमकार केनी के पारी का कंचन अंत हो सकता था लेकिन किस्मत ने साथ दिया भैरवनाथ चषक इतनी आसानी से हम छोड़ने नहीं देंगे यही जताते हुए ये किस्मत का साथ मिला है देवांश 11 चिंचपड़ा टीम के बिल्कुल बल्लेबाज ओमकार केनी को डॉट बॉल की हम आपकी जगह एक रन पूरा किया चार गेंदों के ऊपर चार सिंगल इस पावर प्ले में एक भी बाउंड्री नहीं है यानी कि मनीष कड़ू की गेंदबाजी साफ बता रही है कि इतना आसान भी नहीं होगा चेस करने के लिए ओवर फील्ड टॉस बॉल स्वीप करने की कोशिश फील्डर है मौजूद 38 सर्कल में अच्छी फील्डिंग पांच गेंदों में पांच सिंगल 53 रनों का 52 रनों का लक्ष्य जरूर है और इन 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ी सी पहले ओवर में दबाव रखा है नीलेश 11 जावले टीम के गेंदबाजों की ओर से देखिए साथ देने का हुनर ताले से सीखिए खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा और उसी तरह ये आपको ये साझेदारी बनानी है अंततः ये मुकाबले में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो राइट आर्म ओवर द विकेट से अंतिम गेंद इस पावर प्ले की मनीष कडू तैयार ये फुल टॉस बॉल थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर है अंपायर का
व्हाइट बॉल का इशारा था वह व्हाइट के मदद से, हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 6 रन। 52 का लक्ष्य है, खराब गेंदे ना फेंके तो बेहतर होगा। जिस तरीके से आपके पास ब्रह्मास्त्र होते हैं, यॉर्कर गेंदे होती है, तीखा बाउंसर होता है, एकाद वो गेंदे फेंकिए जिसकी वजह से आपकी टीम संकट से बाहर रहे और अपोजिशन जब आप सामने बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर रहे हो ना तो उन्हें रोकना भी आपके लिए जरूरी होता है। 5 गेंदों में 5 सिंगल, ये आखिरी गेंद होगी, तैयार। ऑन साइड में आकर मारने की कोशिश, बल्ले पर लगी है गेंद और बल्लेबाज हो गए आउट। जिस बल्लेबाज का कैच छूटा था और वही बल्लेबाज ओमकार केनी मात्र मैदान से बाहर। यह पहला करारा छटका, ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन, देवांश 11, चिंचपड़ा टीम। पर अगर मुकाबला जीती है देवांश 11 चिंचपड़ा तो उनके लिए एक अच्छा योगदान होगा और इतनी आसानी से नीलेश कडू 11 जावले टीम हार नहीं जाएगी कंचन, क्योंकि पिछले साल भैरवनाथ चषक ट्रॉफी में एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी नीलेश कडू 11 जावले टीम और इन्हें भी आज 2 मुकाबले खेलने, यानी कि कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल के टूर्नामेंट में भी नीलेश 11 जावले टीम को रवाना होना है, शायद उनका ये तीसरा मुकाबला होगा उधर। लेकिन कंचन ये दो दो जगह खेलना होता है ना, बहुत मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि कल मोह टीम को देखा जो सुनील स्पोर्ट चिंचपड़ा टीम में खेल रही थी टूर्नामेंट में, लेकिन इधर आकर उनको उस टीम को पूरी तरीके से कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया और इस टूर्नामेंट वो नहीं खेल पाई। जो पिछले साल सूर्या बाइक विजेता खिलाड़ी बने थे, मात्र वो उस टीम को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला। ये सभी टीमों को सूचना होगी, क्योंकि विचुंबे का नियमावली काफी कड़क है। कल एक ऐसा ही मेरे के वाला मसाला इडली डोसा वाला काफी दिलदार दमदार कर रहा था योगदान, लेकिन उसको उसकी पहचान भी दिखाई मेरे ख्याल से नाना बोयर के सुपुत्र भूत यानी कि आशीष के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास, मिड ऑफ में फील्डर तैनात है। 1 रन कंप्लीट 1 रनों के साथ। पिछली कुछ गेंदे देखेंगे ना कंचन पालकर, लगभग 7 से 8 गेंदे फेंकी, एक वाइड है इसमें और सिर्फ सिंगल 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 ही मिली है, तो सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। क्या इस पारी में अभी तक एक भी छक्का एक भी चौका नहीं है, कितनी नफीतुल्ली गेंदबाजी नजर आती हुई नीलेश 11 जावले टीम की ओर से। लेकिन आवाज है बाहरी किनारा, इस बार मौका बन सकता था लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर रहे गेंद से। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 8 रन, चौके छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है, ये दोनों जताती हुई। क्योंकि आज प्रसाद गर्ग थोड़े से लेट आए कंचन, हमेशा ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और जब भी प्रसाद खेलते हैं ना तो 80-90 तक ये रन रेट जाता है, लेकिन आज जल्दी आउट हुए। ये अच्छी गेंद, कमाल का ऑफ स्टंप यॉर्कर था, हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ। 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपके पास महत्वपूर्ण गेंदबाजी होना जरूरी होता है, क्योंकि कंचन पावर प्ले के 12 गेंदे होती है बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए दिए जाती है। और ये देखिए इन पावर प्ले के ओवरों में अभी तक नीलेश कडू 11 जावले टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से रोक लगाई है। इस बार शॉट अच्छा है, कवर्स के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए, क्या रोकने में समर्थ हो पाएंगे। अच्छी फील्डिंग, 2 रन पूरे, तीसरी की कोशिश, थ्रो खराब था और ये 3 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए और 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। जीतने के लिए 52 रनों का लक्ष्य है, अभी भी बात करेंगे आने वाली 20 गेंदें बची है, 40 रनों की आवश्यकता। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग है, कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। संघर्ष करना होगा क्योंकि ऐसे हालातों में बात करेंगे बैकफुट पर है देवांश 11 चिंचपड़ा और ये मानतम जोड़ी अभी भी मैदान में है, लेकिन इतना भी आसान नहीं हो रहा है कि पंकज जैसे गेंदबाज के ऊपर प्रहार कर सके। ये फुल टॉस बॉल, बड़े शॉट की तलाश थी लेकिन हवा में है काफी देर तक और स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी को बीट करती हुई अर्जुन के बल्ले से ये मैक्सिमम 6 रन।
पाटिल नहीं, सबसे कातिल हमारा तो बीडी शेट पाटिल है। ये गौतमी के पीछे तो पागल हुए लड़के, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये महाराष्ट्र की भूमि में औरतों को नचा नहीं जाता, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पद स्पर्श से पावन हुआ, ये महाराष्ट्र है। शिवनेरी का शिव, रायगढ़ का राय, ये छत्रपति शिवराय जिनकी ये भूमि है। और यहाँ गौतमी पाटिल नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान भारत की संस्कृति है, इनके पीछे मत लगिए दोस्तों। ये आपकी जवानी है, अपने माँ बाप और अपने करियर के तौर में जरूर लगाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे गेंदबाज तैयार होंगे, आने वाली 18 गेंदे है, 30 की आवश्यकता। कंचन 20 गेंदों में 40 चाहिए थे, लेकिन बीच में ये रन जो बने हैं ना, वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे देवास 11 चिंचपाड़ा टीम के लिए। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। अब देखेंगे किस तरीके से कम बैक करेंगे। पावर प्ले की अब फील्डिंग खुली हो चुकी है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। जिस एंड से बल्लेबाजी है ना, एक्सप्रेस हाईवे एंड, कंचन उस एंड से रन बनते हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा होगी गेंदबाज मेरे ख्याल से मनीष कड़ू की, जिन्होंने पावर प्ले में रन दिए थे सिर्फ 6, एक विकेट इनके नाम पर मिली थी। तो गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार, पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला जरूर है, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पर मना कर दिया। चलिए वोडाफोन वर्ल्ड टीम के कप्तान तो प्रमोद, एक ही क्षण में 16 भाकरी चबाने वाले ये दमदार विनोद भाऊ के कंधे समर्थक, विवेक भाई के संधे समर्थक। तो चलिए एक रन बटोरा, एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन जीतने के लिए, अब रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदे, 29 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। अच्छी गेंद, जड़ में डाला था इस गेंद को, रन आउट का मौका नहीं, विकेट कीपर दूर रहे, गेंदबाज भी काफी दूर रहे, और तब तक यहां पर एक रन देने का पर्याप्त समय। और इस एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, रन और गेंदों के बीच में फासला आखिर की 16 गेंदे, 28 रनों की आवश्यकता। ये ओवर मेरे ख्याल से अमित मात्रे सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद कहीं मत जाइए दोस्तों, भैरवनाथ विचुंबे, नितिन स्मृति विचुंबे टीम खेलेगी। जिस तरीके से वो आज घरेलू मैदान के ऊपर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए जरूर अच्छा प्रयास करेगी वोडाफोन वाल टीम के सामने। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, ऑन साइड में टैप किया है, बड़ा शॉट लगातार लगाना चाहते हैं, लेकिन ठीक से बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, थोड़ी सी मिसफील्ड। ये छोटी छोटी गलतियां है ना, ये मुकाबले से आपको बाहर करवा सकती है। तो एक एक रनों को बचाना बहुत अपने टीम के लिए जरूरी होता है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। और श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। क्योंकि जब तक तेरे पास है पैसा, तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू है कैसा। इसीलिए क्रिकेट में तू जब खेलेगा अच्छा, तब तक तेरे लिए है गाली ताली, और खराब खेलेगा तेरे लिए पड़ेगी गाली। तो ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्राज में बढ़ोतरी होती हुई, और टीम का टोटल स्कोर 27 रन। जीतने के लिए 15 गेंदों में अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। तीन गेंदें काफी इंपॉर्टेंट होंगी, इन तीन गेंदों के ऊपर अगर बड़ा शॉट नहीं खाते हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं कंचन ये मुकाबला बरकरार रहेगा दोनों भी टीमों के लिए। मनीष अब तक शानदार गेंदबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए इस बार स्लॉट में आई है, राकेश बोईर के बल्ले से लंगान के ऊपर से जाती हुई सीमा रेखा पार, इट्स अ बिग 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 हिट। पूछे कि भाई कैसा, इसीलिए क्रिकेट में जब तक है बल्ला तब तक है तेरा थाट, वरना है वाट। ये शानदार छक्का आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, यानी कि मच नीडेड सिक्सर बैट्समैन राकेश भोईर। ये गेंद अच्छी थी, ऑफ स्टंप यॉर्कर करने का प्रयास, तो एक तरफ अपील की जा रही है, दोनों अंपायर सलाह मसलत करते हुए, एक तरफ बैट्समैन को लगा कि यह गेंद वाइड है, शक की बुनियाद से देख रहे थे, पहले शफल हुए थे मेरे ख्याल से। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, दोनों अंपायर जरूर फैसला सुनाएंगे। रन और गेंदों के बीच में फासला मेरे ख्याल से और चलिए, बल्लेबाज होंगे आउट, राकेश के पारी का हुआ खात्मा, ये बड़ा झटका देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को।
रिक्षावाला सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलात, परंतु लोकांना का वाटतो रिक्षावाला अडाणे असतो, रिक्षावाला बेवडा असतो? अरे तसं नसतो रे, तो असतो रिक्षावाला. सकाळी उठून धंद्यावर जात असतो, जॉबवाल्याला ऑफिसला सोडत असतो, तरुण तरुणीला कॉलेजला सोडत असतो, तो असतो रिक्षावाला. त्यामध्येही उच्च शिक्षित असतो, परंतु जबाबदारीचा भार त्याच्या डोक्यावरती असतो, म्हणून तो या धंद्यात उतरलेला असतो, तो असतो रिक्षावाला. तुमच्या घरी कोणी आजारी जर पडला तर भल्या रात्री जीवाची पर्वा न करता आपल्या रिक्षामध्ये बसवून तो हॉस्पिटलला पोहोचवत असतो, तो असतो रिक्षावाला. परंतु ही मी रिक्षावाल्यांसाठी कविता डोनेट केली होती. एकाने मला कमेंट टाकली, दादा ठीक आहे तुझं सर्व बरोबर आहे, पण थोडासा भाडा कमी करायला सांग. आता मी काय सांगू, आता माझ्या जवळपर्यंत मला पोहोचवलं तोपर्यंत मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, परंतु तो रिक्षावाला असतो अगदी योग्य. कारण असे आमचे विचुंबेचे रिक्षावाले खऱ्या अर्थाने नेहमी दमदार योगदान देत असतात, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. रोहिमाय नाही बल्लेबाज, सतीश आथवे बल्लेबाज ही केली आहे. अच्छा कम बॅक ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास, अलोंग द कार्पेट ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत दूर है, बहुत दूर है. जब तक आएगा गेंद की तरफ तब तक दो रन आसानी के साथ पूरे, और इसी दो रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन. रनों और गेंदों के बीच में फासला अंतिम 12 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता. ड्रिंक जाएगा मैदान में, पानी जाएगा, तब तक सुनते हैं नितिन डीजे सानिया की एक दमदार सुमधुर संगीत. संगीत छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके आपने सुनी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, मुगल सल्तनत, इंग्रज, पोर्तुगीज, डच, ये जितनी भी महासत्ता थी ना, वो सिर्फ एक ही नाम से डरती थी कंचन, वो नाम है शेर शिवाजी. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सुमधुर संगीत डीजे सानिया नितिन के माध्यम से आपने सुनी. और कल तो 31 का दिन है, जैसे जैसे नितिन रंग में आएंगे वैसे वैसे दर्शक भी रंग में आएंगे, मैच भी रंगीली होगी और कॉमेंटेटर भी काफी रंगीले होंगे कल. और कल मेरे ख्याल से 1 तारीख को सनी तूपे स्वरांश एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर, उनका भी 1 तारीख को जन्मदिन है. पहले से एडवांस को हम शुभकामनाएं. करण बदलता हुआ 8 गेंदों में चाहिए 10 रनों की आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला, सामने बल्लेबाज है देवांश 11 चिंचपड़ा टीम के अर्जुन. लेट कट खेला है, फील्डिंग खराब, मौका मिला, एक समय लग रहा था मैच हाथ में था, लेकिन ये खराब फील्डिंग के बदौलत ये शानदार चौका सीमा पार, 4 रन अब समीकरण बदलता हुआ, 7 गेंदे बची है, 6 रनों की जरूरत. चलिए चौका मिला, अब समीकरण बदलता हुआ, आने वाली गेंदे बची है 6 और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता. मुकाबला अभी भी बैलेंस है, लेकिन वो गेंदबाजी करनी होगी कि जिसे कहते हैं राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है. क्या कोई सूर्य बनकर निकलेगा इस मुश्किल स्थिति में निलेश कड़ू 11 जावले टीम के लिए? तब तक समय है, सुनते हैं डीजे सानिया नितिन की एक और संगीत. धन्यवाद डीजे. स्वागत आहे राम म्हात्रे साहेब आपलं, खऱ्यानंतर त्यांच्या सौभाग्यवती अमिताताई म्हात्रे खऱ्या अर्थानं त्या देखील सरपंच होऊन गेल्यात विचुंबे ग्रामपंचायत, आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला लाईव्ह टेलिकास्ट खऱ्या अर्थानं स्पॉन्सर करून दिले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. बीडीशेट पाटील, राम म्हात्रे साहेब आणि त्याच्यानंतर सँडी वाघमारे, हे त्रिवेणी संगम असल्यानंतर एक नक्कीच दमदार योगदान त्या स्पर्धेसाठी राहतो आणि त्यांचंही सहर्ष स्वागत. तर चलती 6 गेंदे 5 की दूरी, पहली गेंद ऑन साइड में हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, सिंगल लेकर स्ट्राइक जाती हुई बल्लेबाज के पास, 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 48 रनों के ऊपर, यानी कि 5 गेंदों में चाहिए 4 रनों की जरूरत. कल कंचन फाइनल का मुकाबला अग्रिसेना चषक जब खेला गया था चौक जय अंबिका चौक के मैदान के ऊपर, जाने ही वाले थे लेकिन कल कंचन आज के सुबह 8 बजे
उस फाइनल खेलने के लिए। ढौलेपाड़ा टीम ने पांच गेंदों में, अच्छे गेंदों में वो चार रन बचाए थे, क्या वो रन बचा पाएंगे जावले टीम? जी हाँ, ये लगी है बल्ले का अंदरूनी किनारा। अर्जुन थोड़े से नाखुश है बल्लेबाज से कि ये जरूरत क्या थी बड़े शॉट खेलने की, सिंगल लेकर मुकाबले में जान डाल सकते थे, लेकिन नीलेश कडू 11 जावले टीम ने हार नहीं मानी है। चार गेंदे, चार की आवश्यकता। कट किया है बैकफुट पॉइंट में, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, लेकिन रन मिलेगा एक, और एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन। जीतने के लिए तीन गेंदे, तीन रनों की आवश्यकता। दो रनों की पेनल्टी जो मिली है जावले टीम को, उसकी कीमत अब उनको पता चली होगी। शायद वो दो रनों की पेनल्टी ना मिलती कंचन तो ये तीन गेंदों में पांच रन रह सकते थे, लेकिन फर्क किरा नहीं, मंजिल पाने के लिए तेज रफ्तार नहीं, सही रास्ता मायने रखता है। एक एक गेंद इंपॉर्टेंट दोनों भी टीमों के लिए। ये पॉइंट के ऊपर से खेला है सेंसिबल क्रिकेट अर्जुन के द्वारा, और गेंद जाती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा पार, और ये जीत हासिल करती हुई देवांश 11 चिंचपड़ा टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सुरते साहेब विचुंबे यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचे